तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में यह बैठक चल रही है। ताजा राजनीतिक हालात पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम बीजेपी प्रदेश कार्यालय की, कार्यालय में इस वक्त बैठकों का दौर जारी है। तो आपको ये बता दें कि रांची स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई और इस बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की गई है। गाय बकरी जैसे अपने विधायकों को पहले भी उन्होंने कहा है कि भाई गाय बकरी और सब्जी बेचने वाला उनके विधायकों को खरीद रहा है। अब अपमान करिए लेकिन इतना ज्यादा अपमान मत करिए कि लोग सोचने को मजबूर हो जाए। उनके विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं। ये चर्चा हो रही कि आप लोगों ने चंपईदा को निमंत्रण देके दिल्ली तो बुला लिया और फिर उनसे मुलाकात भी नहीं किया, ऐसा आप लोग चर्चा बनाए रखिए। विपक्ष का चर्चा है, नहीं आप चर्चा बनाए रखिए, बाकी जो है वो आपके सामने है, जो भी बातें हैं आपके माध्यम से ही चीजें सब लोगों ने सुना है। ऑफिशियली जिस दिन कोई कहेगा, बीजेपी का कोई ऑफिशियली कहेगा या उनके तरफ से कोई ऑफिशियल बयान आएगा तो फिर उसमें बात करेंगे। तो लेकिन वहां से ज्यादा मौसी को क्यों लाड़ा आ रहा है? सबसे बड़े हम लोगों ने कोई लाड़ नहीं दिखाया है। हम लोगों ने हकीकत जो उन्होंने सामने रखी थी उससे उनको रूबरू करा है। मुख्यमंत्री जी को ये लिस्ट लेकर के बैठना चाहिए कि उनके कौन से विधायक को भारतीय जनता पार्टी ने कितना पैसा दिया, कौन से मंत्री को कितना पैसा दिया और उनको हम लोगों ने अपने दल में शामिल किया। मुख्यमंत्री हैं आप, जब बोलते हैं तो 3.5 करोड़ जनता के आप मुखिया हैं, तो सबसे पहले तो आपको सोचना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं। तो रांची स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की गई। हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश लाइव जुड़े हुए हैं, हम राकेश का रुख करेंगे। राकेश, आज बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक हुई, इस बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात को भी लेकर चर्चा हुई और जो खबर सामने आ रही है कि 23 अगस्त को होने वाली भारतीय जनता युवा मोर्चा की आक्रोश रैली को लेकर भी चर्चा हुई है, पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। पहले एक चीज तो साफ कर दे अपने दर्शकों को और आपको भी थोड़ा सा करेक्ट कर ले कि देखिए अभी कोर कमेटी की बैठक अब से थोड़ी देर के बाद शुरू होगी। तमाम जो कोर कमेटी के सदस्य हैं वो इस बैठक में शामिल होने के लिए उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मसलन बाबूलाल मरांडी पहुंच चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी पहुंच चुके हैं, अर्जुन मुंडा पहुंच चुके हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश की मौजूदगी है। इसके अलावे जो विधायक है भानु प्रताप शाही उनकी मौजूदगी है, कुछ और सदस्य हैं कोर कमेटी के उनके आने की भी सूचना है, वो भी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे और जिसके बाद औपचारिक तौर पर कोर कमेटी की जो बैठक है उसकी शुरुआत हो जाएगी। जहां तक कोर कमेटी की बैठक का सवाल है तो जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियाँ राज्य के समक्ष उभरी है, खासतौर पर चंपई सोरेन प्रकरण को लेकर, उसको लेकर आज की जो बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है, कॉल की गई है, वो बेहद महत्वपूर्ण है और इस पूरे प्रकरण से इस बैठक को जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि बीजेपी के कई सारे कार्यक्रम भी तय हैं आने वाले दिनों में, उसको लेकर भी इस कोर कमेटी की बैठक में चर्चा होनी है। 23 तारीख को जो युवा आक्रोश मार्च है भारतीय बीजेपी युवा मोर्चा का, उसको लेकर भी आज की कोर कमेटी की बैठक में चर्चा होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो मसला है, जो सवाल है, वो मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में चंपई सोरेन को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं और जिस तरीके की बातें उनको लेकर कही जा रही है, जो संभावनाएं उनको लेकर व्यक्त की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि आज या कल। बिल्कुल राकेश, तो अब कुछ ही देर में बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक शुरू होगी और क्या क्या अपडेट आएगा, किन किन मसलों पर चर्चा हो गई, ये हम जानकारी आपसे लेते रहेंगे। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संवाददाता राकेश ने। जैसा कि बताया कि अब फिलहाल कुछ ही देर में बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक शुरू होगी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहे न्यूज 11 भारत। नमस्कार।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।